बरेली में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपना दल है। इसके प्रदेश सचिव विधि मंच गजेंद्र पटेल एडवोकेट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही खुलेआम किताबों स्कूली ड्रेस में कमीशनखोरी के संबंध में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट बरेली को एक पत्र सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आपके कर कमलों से इस गोरख धंधे पर लगाम लग सकती है। गरीब जनता इस शोषण का शिकार हो रही है। इस गोरख धंधे पर शीघ्र लगाम लगाकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाए। मैं अपना दल का प्रदेश सचिव विधि मंच से हूँ। क्या ज्ञापन दिया, क्या मांग कर रही है? मैं आज जिलाधिकारी से मिलने जा रहा था, लेकिन जिलाधिकारी व्यस्तता के कारण हम नगर मजिस्ट्रेट बरेली से मिले और उन्हें ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दिया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो अभिभावकों को लूटा जा रहा है, उन्हें विशेष बुक स्टॉलों से किताब लेने के लिए बात किया जा रहा है और विशेष ही बुक स्टॉलों से उनकी वर्दी खरीदने के लिए बच्चों की किया जा रहा है। और जितने भी बुक स्टॉल हैं वो सब अपनी मन मर्जी से किताबों के रेट और ड्रेसों के जो जो, जो बच्चों की ड्रेसें हैं उनके रेट तय कर रखे हैं, उसी की दुकान से खरीदेंगे। मध्यवर्गीय परिवार सब लुट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आपके कर कमलों से सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति कहीं किसी भी बुक स्टॉल से किताब खरीद सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।